टर नाउ इट्स गुड ना ओके अब ठीक होगी होगी वो आज आ रही होगी सभी को चलो ठीक है तो कैसे हैं आप सब लोग एक बार कन्फर्म हाल चाल सबका देख लेते हैं ठीक है ओके चलिए ओके फाइन तो आज की शुरुआत करते हैं कमोल अब आपको क्या हो गया Okay, this was not done. तो आज की तारीख क्या है छब्बीस अप्रैल और दिन क्या है आज मस्त ठीक okay, okay, है बहुत अच्छी बात है मस्त रहना चाहिए तो आज के दिन की बात करें छब्बीस अप्रैल की बात करें आज हमारे पास क्या है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है छब्बीस अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो क्या चीज है थीम तो इसकी थीम ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी थीम क्या है थीम काफी बहुत ही ज्यादा इजी है क्या है वुमेन एंड आईपी वुमेन एंड आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट यहां पर बात खत्म नहीं होती इनमें थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दिया क्योंकि वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हुई है तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गया एसलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी सो दिस इज दी ओवरऑल थीम ऑफ दिस डे कौन सा वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो छब्बीस अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ओके मूविंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट इज अगर बात करें 24 से 30 अप्रैल की तो इस दिन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे डे को नहीं सॉरी पूरी वीक को सेलिब्रेट किया गया जाता है जो जनरली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है सो ऑल दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस सबको स्टार्ट किया गया है द रीजन बिहाइंड इज टू लेट टू स्टार्ट एंड अवेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड टू लेट पीपल नो दैट वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन सो दे कैन बी क्योर फ्रॉम डिजीज़ेस और अपकमिंग जो आने वाले है या किसी के लिए तो वो बहुत ही जरूरी है तो इसकी भी एक प्रॉपर एक थीम है इसकी अगर थीम की बात करें थीम इसकी क्या है बहुत ही इजी थीम है। वो हमारे पास क्या दिग सो दिस इज थीम ऑफ कौन सा इम्यूनाइजेशन वीक पूरी वीक की ये थीम है Uh, तो पूरे दिन की बात करें तो डब्ल्यू एच ओ है जो उन्होंने 2011 में ये चीज को स्टार्ट किया गया था कि हम ये पूरी वीक को सेलिब्रेट करेंगे अब जब 2011 को इसको शुरुआत की गई थी तो सबसे पहली बार 2012 में ये वीक का सिस्टम शुरू किया गया था इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व दिस वीक सेलिब्रेशन वाज स्टार्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम ओके सो लेट्स जस्ट कवर द बेसिक स्टैटिक ऑफ डब्ल्यू एच ओ डब्लू एच ओ की बात करें ये कब बनी थी 1948 में ये डब्ल्यू एच ओ फॉर्म हुई थी ठीक है जो डब्ल्यू एच ओ थी यू एन का एक ही पार्ट थी डैट वट एवर कंसिडरेशन इन हेल्थ सेक्टर वो सारी की सारी किसके द्वारा देखी जाएगी डब्ल्यू एच ओ के द्वारा देखी जाएगी

ओके okay. अब डब्ल्यू एच ओ स्टार्ट कब हुई थी सबसे पहले जब वर्किंग स्टार्ट हुई थी सेवन ऑफ अप्रैल 1948 तो इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी बट अगर इंडिया पॉइंट ऑफ की बात करें तो इंडिया वन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यू एच ओ एंड इंडिया ज्वाइन डब्ल्यू एच ओ इन और सॉरी 12 जनवरी नाइनटीन तो इस दिन को ज्वाइन कर चुका था इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू की, की बात करें तो इंडिया में एक रीजनल ऑफिस भी है वो जो रीजनल ऑफिस है WHO का दैट विल गिव सपोर्ट टू नो सॉरी साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया एशिया जो की जितनी भी मतलब कंट्रीज आएंगी वो सारी की सारी उसका जो हेड क्वार्टर वो कहां पर है न्यू दिल्ली में है दैट इज रीजनल ऑफिस नॉट हेड क्वार्टर सॉरी बट रीजनल ऑफिस हु इज ऑर्गेनाइजिंग दी इम्यूनाइजेशन वीक फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू थर्टी अप्रैल देंट डब्ल्यू एच ओ बाय डब्ल्यू एच ओ नाओ साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक शील्ड ऑर्गेनाइज बाय नेटो कहां पर की गई है तो हमारे पास क्या आ गया एस्टोनिया पे नेटो के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है कहां पर एस्टोनिया नाउ इस एक्सरसाइज की बात करें जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है हमारा सारा का सारा साइबर डिफेंस क्या है साइबर डिफेंस इसलिए इस एक्सिस को सी सी डी और सीओ डी बोला सीओ बी बोला जाता है सी सी डी सीओ बी इस एक्सरसाइज को बोला जाता है उसके पीछे क्यों बोला जाता है वो भी बता हूं लेकिन उससे पहले तो ये पूरी की पूरी लॉक शील्ड है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है साइबर डिफेंस के रिलेटेड जितने भी अटैक्स होंगे ऑन कंप्यूटर रिलेटेड टू मालवेयर और एनी अदर थिंग और जो भी थ्रेट है जिसमें रियल टाइम थ्रेट भी होगा वो सारी की सारी एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट की जाती है वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सरसाइज रिलेटेड टू साइबर डिफेंस वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है साइबर डिफेंस कहा उसके पीछे रीजन ये है टोटल थर्टी एट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज कितनी थर्टी एट कंट्रीज है जो इस एक्सरसाइज में क्या करती है पार्टिसिपेट करती है ठीक है फर्दर 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 ओके फर्दर अगर देखा जाए एक और अब अगर एस्टोनिया की बात की है तो ये एक्सरसाइज जब सबसे पहली बार स्टार्ट की गई थी सबसे पहली बार कब स्टार्ट की गई थी इन ईयर 2012 तो जब सबसे पहली स्टार्ट की गई थी तब वो एक्सरसाइज एस्टोनिया में ही स्टार्ट की गई थी किसकी बात कर रहा हूँ लोकशील्ड की बात कर रहा हूँ अगेन इसमें साइबर के रिलेटेड जितनी भी डिफरेंस मतलब वर्कशॉप uh, होंगी एक्सरसाइज होंगी वो सारी की सारी इसमें कंडक्ट की जाती हैं डिफेंड uh, करना कंप्यूटर को ठीक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टोनिया uh, में कहां पर तो हमारे पास क्या आएगा तालीन तालीन एक जगह एस्टोनिया पे जहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी uh, जैसे आपको बताया सीओई वट इज सीसीडी सीओई डी सीओ इज कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सबसे पहली बात सॉरी दो था सॉरी आई सेट टू इट वॉज टू इट वॉज टू कब बना था

क्या बन चुके हैं डिप्टी पीएन अगेन नाम पर फोकस करेंगे ऑलिवर डॉडेन ठीक है अब जो इससे पहले थे उनके पीछे रीजन क्या था उनको मतलब क्यों पोजीशन से रिलीव कर दिया गया बिकॉज दे आर सम केसेस ऑन हिम वो ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि वो अपने बहुत जितने भी एम हैं उनको बहुत ज्यादा बुलिस करते हैं जिसकी वजह से मतलब जो ऋषि सोनी का उनकी वजह से प्रॉपर एक कमेटी बनाई थी कि वो चेक करने के लिए कि सारा कुछ हो रहा है या एम के द्वारा मतलब जस्ट uh, ब्लेम किया जा रहा है बट वो एक्चुअल में था जिसकी वजह से उनको रिलीव किया गया नाउ ओलिवर डोडन इज द डिप्टी पीएम ऑफ ब्रिटेन नेक्स्ट आई जी जी एल कंप्लीट एशिया लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्रा में जो सबसे बड़ी सबसे बड़ी तो नहीं कहूंगा एक लार्जेस्ट पाइपलाइन है जिसको कंप्लीट किया गया है क्या किया गया कंप्लीट किया गया अब जो ये पाइपलाइन का सारा का सारा वर्क था किसके द्वारा किया गया आई जी जी एल के द्वारा किया गया

गैस ग्रिड लिमिटेड इज आई फुल फॉर्म ऑफ आई जी जी एल जी की तरफ से ये कंप्लीट किया गया और ये प्रोसेस कहां पर जो भी है ब्रह्मपुत्रा का प्रोजेक्ट था वो इंडिया में कहां पर हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कहां पर हुआ है असम में हुआ है असम में दो जगह जहां पर हमारे पास आ जाएगा पहली है जॉर दूसरी है माजुल इन दो लोकेशन में इस चीज को कंप्लीट किया गया है जो भी मैं ब्रह्मपुत्रा के नीचे जो पाइपलाइन बिछाई थी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आ जाएगी कि ये पूरा का पूरा जो ये वर्क हुआ है

का ग्रिड है जो गैस ग्रिड उनको कनेक्ट किया जा रहा है ठीक है और ये एशिया की है सेकंड लार्जेस्ट सॉरी एशिया की लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है अगेन एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जो ये पाइपलाइन कंप्लीट हुई है नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर यू कि जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट ये लार्जेस्ट पाइपलाइन है वो कहां पर है वो कहां पर है तो वो एक सर्च कर लेना ठीक है अपनी जो आपकी सर्च होती है ना पर्सनल वाली वो दिमाग में ज्यादातर स्टिक करती है वो हमेशा रहती है ओके Uh, कौन कौन सी जो लोकेशन बोली थी मैंने जोरथ एंड माजुली ये जो लोकेशन है जहां पर ये हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया पाइपलाइन कंप्लीट की गई है अब इस पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन के में हमारे पास क्या आ जाएगा वे कितनी है फोर थाउजेंड मीटर इतनी ये डिस्टेंस है इस पाइपलाइन का ठीक है अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की बात करें इस एरिया में टोटल सिक्सटी हंड्रेड किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो बिछाई गई है पूरी पाइपलाइन पर अराउंड नाइन थाउजेंड करोड़ का खर्चा हुआ है ठीक है अगर हाँ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस आई जी एल आई जी जी एल के इस बारे सबसे तो ये रहा इंपॉर्टेंट पता क्या है ये पांच जो पीएसयू हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट और यूनियन यूनिटी बोलेंगे ठीक है उनको मिलकर कंबाइन करके या उनके ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ये क्या बनी है इंद्रगुणुष गैस ग्रिड लिमिटेड जिसमें हमारे पास IOCL ONGC GAIL OIL एंड NRL ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं एशियास लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑफ आई जी जी एल इज रिलेटेड टू विच रिवर इट इज रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्र किसके ब्रह्मपुत्र के रिलेटेड है सी एम पटनायक लॉन्चिस इंडिया फर्स्ट हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन एट उड़ीसा स्किल कंक्लेव अब उड़ीसा में एक स्किल कंक्लेव हुई थी जहां पर एक जो ड्रोन है उसको क्या किया गया लॉन्च किया गया अब वो ड्रोन किस पर्पस के लिए यूज होगा वो यहां पर लिखा है हैवी लिफ्ट लोजिस्टिक के लिए उस ड्रोन को यूज किया जाएगा अब वो ड्रोन है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया ड्रोन वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय बोन वी एरो देखो बी ओ एन वी आर ओ इस कंपनी के द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया था Now, अगर इस ड्रोन की बात करें इस ड्रोन की खासियत क्या है इस ड्रोन की खासियत पता क्या है कि फिफ्टी के केजी तक का जो लोड है वो उठाकर जा सकता है कितने किलोमीटर तक अराउंड 10 किलोमीटर तक जा सकता है लेकिन उसकी हाइट क्या होगी ग्राउंड फीट से कितना ऊपर ये उठ सकता है तो हमारे पास क्या आएगा थाउजेंड टू टेन फीट तक का जो डिस्टेंस होगा उस गैप में ये उड़ सकता है नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के जो ये ड्रोन है उसका नाम क्या है उसका नाम जो रखा है वो पता है क्या है आर एम डबल जीरो का नाम है जीरो वन इस ड्रोन का क्या है नाम है अब ये तो अभी तक की बात है लेकिन अगर मैं बात करूं वापस इस कंपनी पर आ जाते हैं कौन सी बोन वी एरो पर हम वापस आ जाते हैं सर आपकी वॉइस नहीं आ रही हैलो आई थिंक वॉइस इज गुड Uh, मतलब मैंने सॉफ्टवेयर से चेक किया तो वॉइस तो ठीक है ठीक है प्लीज बाकी सब आप लोग एक बार कंफर्म कर दो एम आई ऑडिबल आवाज आ रही है ना सभी को ओके सो मूविंग फॉरवर्ड बॉन वी एरो की बात करें जो ये कंपनी है इस कंपनी को पता क्या क्या है बैकअप किया गया मतलब बैक दिया गया सपोर्ट दी गई है वो सपोर्ट दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन या दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट दी गई है उसमें सबसे पहले क्या है आई ए सी आर वी रामन गोव जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है ठीक है कहाँ की उड़ीसा की उन उनके द्वारा सपोर्ट दी गई है और साथ के साथ नीति आयोग इनके द्वारा भी सपोर्ट की गई है ये जो आर एम डबल जीरो जो हमारा लॉजिस्टिक ड्रोन है इसका जो टेस्ट भी किया गया था टेस्ट कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश देर वॉज इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश वहां पर जो उनकी मतलब फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर इनको टेस्ट किया गया था तवांग अरुणाचल प्रदेश में तवांग एक जगह है जहां पर इसको प्रॉपरली टेस्ट किया गया था किसकी बात करो आर एम डबल जीरो बट फॉर फ्यूचर बोर्न वीरो फ्यूचर दे आर स्टार्टिंग आर एम डबल जीरो टू दे आर वर्किंग और आर एम डबल जीरो टू पर वर्क करें जिसमें वो उनका टारगेट क्या है कि यहाँ पर फिफ्टी के जी था अब वो टू हंड्रेड के जी मतलब इतना लोड चाहते हैं कि उनका डोन एप पिक कर दे यहाँ पर टेन किलोमीटर था और यहाँ पर कितना चाहते हैं फोर्टी किलोमीटर वो पिक करें किसकी बात करें आर एम डबल जीरो टू जो उनका नेक्स्ट टारगेट है ठीक है ये चीज पर काम करना चाह रहे हैं सर uh, ईपीएफओ के लिए करंट करंटफेयर क्लासी लीजिए ना uh, पे चौबे वो ही चल रही है इस पान चौबे।, पान चौबे जी ये ईपीएफओ uh, के लिए ही करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं ओके वे इंडिया हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च कहां पर लॉन्च किया गया देन इट इज इन उड़ीसा उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है नाउ वर्ल्ड नंबर वन ईगा स्वेटिक बीस आर्यना सबालेंका टू विन सेकंड स्टटगर्ट वुमेन्स ओपन टाइटल सेकंड स्टटगर्ट वुमेन्स ओपन टाइटल तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टटगर्ट वुमेन्स ओपन टाइटल की बात करें तो जैसे नाम में ही लिखा हुआ है कौन सा स्टटगर्ट वुमेन्स ओपन टाइटल ये सारा का सारा टाइटल दिस टाइटल विल ओनली फॉर वुमेन्स ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए ही कंडक्ट होता है और ये कब शुरू हुआ था 1978 में ये शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था 1978 में ये शुरू हुआ था इसके बाद इसको एक और चीज है जिसको क्या बोला जाता है जिसको ओल्डेस्ट भी बोला जाता है कि वर्ल्ड का ये ओल्डेस्ट है वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कहां पर कंडक्ट किया गया था अगर हम बात करें स्टटगर्ट स्टटगर्ट कहां पर है तो मेरे पास क्या आ जाएगा जर्मनी में कहां पर जर्मनी में ये होता है लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज स्टटगर्ट की अगर बात करें इसका एक और नाम भी है इसका एक और नाम भी है क्या है हमारे पास Porsche Tennis जो हमारे पास ग्रैंड प्रिक्स क्या है Porsche टेनिस ग्रैंड प्रिक्स दिस इज द सेकंड नेम ऑफ़ दिस टूर्नामेंट और दिस ओपन टाइटल कौन सी बात करो स्टूटगर्ड वुमेन्स ओपन टाइटल का दूसरा नाम क्या है पोषे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स इज सेकंड नेम ऑफ़ दिस टूर्नामेंट दोनों का मीनिंग सेम ही है एक ही चीज की हम बात करें नाउ मूविंग बैक टू किस पर आ जाते हैं वापस हम इगातिक पर अगर ईगा स्वैतिक पर अगर हम वापस आ जाते हैं तो अग, जैसे यहाँ पर लिखा ही हुआ आई थिंक क्या लिखा है ये ना? क्या? तो उन्होंने लगातार दूसरी बार ये टाइटल जीता है अगेन कितनी बार अगर हम बात करें 2023 और 2022 की बात करें तो लगातार दूसरी बार इन्होंने ये टाइटल जीता गया जिसकी टाइटल जीतने के बाद इनको ये प्राइज मनी भी दी जाएगी ठीक है ईगा स्वैतिक की बात करें ये कहाँ के रहने वाले हैं ये पोलैंड के रहने वाले हैं कहाँ के रहने वाले हैं ये पोलैंड के ये रहने वाले अब इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये इकलौते पर्सन है जिन्होंने ये टाइटल दो बार जीता वो भी कंजेक्टिव लगातार क्योंकि ये वर्ल्ड नंबर वन पर भी है वर्ल्ड नंबर वन के टाइट मतलब पोजीशन पर ये वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इससे पहले एक और पर्सन थे जिन्होंने यही ही तो सेम टाइटल स्टूड जो जो वुमेन्स टाइटल है वो इनसे पहले दो ये दो बार जीता हुआ है कौन सी बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूँ एनजीक्यू कबीर की बात कर रहा हूँ जिन्हें 2015 और 2016 में ये टाइटन बैक टू बैक जीता हुआ था जस्ट लाइक ईगा स्वेटिक जिन्होंने अब जीता है आ, जिनको इन्होंने हराया आर्यना सबलंका जिनको हराया वो कहां क्या ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हों ठीक है ओके सिंगल कैटेगरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डब्ल्यू टी एस टूट गए ईगा स्वेतिक के द्वारा जीता गया है सा नेक्स्ट हेल्थ मिनिस्ट्री रिसीव पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड वैक्सीनेशन अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए कोविड की वैक्सीनेशन के लिए पीएम के द्वारा एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की गई है जिस अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में वो अवार्ड किसको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को वो अवॉर्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अगर उसकी बात करें उसके जो हमारे पास ये सेक्ट्रिएट हैं सेक्ट्रेट कौन है सेक्टेट हमारे पास क्या नाम आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा राजेश भूषण क्या भूषण जिनको ये अवार्ड दिया गया है अब ये अवार्ड किसके लिए है क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोविड के टाइम पीरियड पर जो कोविड की मैनेजमेंट हुई थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बहुत अच्छे से काम किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फैमिली वेलफेयर तो इनको ये अवार्ड दिया गया है उनके हमारे पास कौन से आ जाएंगे राजेश भूषण को ये अवार्ड सारा का सारा दिया गया है। जो प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी वो कब की थी याद है जिस दिन हमारे पास सिविल सर्वेंट्स डे था सिविल सर्वेंट डे उस दिन इस प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी ओके टू हैज पीएम नरेंद्र मोदी प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑन द ओकेशन ऑफ सिक्स सिविल सर्विस डे तो हमारे पास क्या आ जाएगा किसको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया गया है नेक्स्ट इस मलोल्का विंस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ दोर्ड कौन सा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द एयरबोर्ड जो इनके द्वारा क्लिक की गई थी इनके द्वारा इस फोटो को खींचा गया इनका नाम क्या है इनका नाम है एवगिनी क्या है मालौलका जो इनका नाम है ये कहां के रहने वाले हैं ये यूक्रेन के रहने वाले हैं की ये क्या है जर्नलिस्ट है इनके द्वारा ये फोटो क्लिक की गई है फोटो में क्या है कि एक वुमेन को कुछ लोग लेकर जा रहे हैं ये वो वुमेन है जो प्रेग्नेंट है जो मतलब रशिया के बॉम्बार्ड के बाद मतलब थोड़ी इंजर हो गई थी जिसकी वजह से इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बाई दैट टाइम उस टाइम पर इन फोटोग्राफर के द्वारा इन जर्नलिस्ट के द्वारा यह फोटो क्लिक किया गया जिसको वर्ल्ड एसोसिएटेड प्रेस कौन सी एसोसिएट एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ओके नेक्स्ट एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड नाउ एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की बात करें यह अवार्ड पूरे वर्ल्ड में जो नर्सिस है उनको दिया जाता है अब जो नर्सिस चूज हुई है इसमें टोटल आउट ऑफ फिफ्टी टू थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड नर्सिस ही चूज हुई है सिलेक्ट हुई है जिनको ये अवार्ड दिया हुआ है। उस दस सिलेक्टेड नर्सिस में दो नर्सिस की हैं? इंडिया की है दो नर्सिस कहा की इंडिया की है तो उसमें शांति त्रेशा लकेरा के आ जाएगा लकेरा ठीक है तो शांति ट्रेसा लकेरा की बात करें जो पोर्ट ब्लेयर जो अंडेमान निकोबार के है वहाँ के एक हॉस्पिटल में क्या है नर्स है दूसरे हमारे पास क्या आ जाएगा जिनसी जारी जो आयरलैंड के एक हॉस्पिटल में नर्स है तो इनको ये अवार्ड दिया गया इनको ये साथ के साथ प्राइस मनी भी दी जाएगी पच्चीस डॉलर की प्राइस मनी दी जाएगी अभी तो ये सिलेक्ट हुए हैं लेकिन जो अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मई के महीने में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होगी लेकिन ये सिलेक्ट किए गए हैं टोटल दस नाम सिलेक्ट किए गए हैं जिनको अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा ठीक है उनमें से दो क्या है हमारे पास इंडियन है अब इनको ये अवार्ड क्यों क्योंकि दिया गया क्योंकि ये नर्सिंग अवार्ड है क्योंकि ये टेक केयर करते हैं जो बहुत अच्छी करते हैं अपनी पेशेंट की जिसकी वजह से मतलब आउटस्टैंडिंग इन्होंने काम किए हैं ठीक है थीका? जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया सो so, uh, जियो सिनेमा के ब्रांड मेस्टर नियुक्त किया गया राजू uh, का नाम है रोहित शर्मा को ठीक uh, है जो क्रिकेटर है ठीक है इसमें तो और क्या बताऊंगा आपको नाउ इंपॉर्टेंट या अब हमारे पास है स्नर्जी ग्रुप एक ग्रुप है कौन सा स्नर्जी ग्रुप उन्होंने क्या जीता है एक प्रेस्टीजियस अवार्ड है किसके लिए टैंकर ऑपरेटर अवार्ड कौन सा टैंकर ऑपरेटर अवॉर्ड लेकिन टैंकर ऑपरेटर अवार्ड को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या नाम से जाना जाता है ग्रीन फोर्स ही. क्या

तो उसके सिवा बाकी चीजें भी आके जो इन्होंने मतलब आ, मतलब काम किया किसके रिलेटेड सेफ्टी के रिलेटेड ठीक है कम्युनिकेशन के रिलेटेड ठीक है सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड इनोवेशन के रिलेटेड जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है और इसको प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है ठीक है अगर इस मरीन टाइम की बात करें या इसमें मतलब जो हमारे पास आ, आ, ये नेवी तो नहीं बोलूंगा ठीक है तो ये शिप्स की बात करें इसमें ये सबसे मतलब प्रस्टिजियस अवार्ड माना जाता है इस अवार्ड को अगर किसी को दिया जाता है सिनर्जी ग्रुप की बात करें तो सिनर्जी ग्रुप कब बनाया गया था 2006 में बना था ये दो हजार छह में जब इसको बनाया गया था तो एक कैप्टन थे उनका नाम क्या था राजेश उन्नी क्या नाम था उनका राजेश उनका नाम था जिनको ग्रुप को फाउंड किया था या फाउंडर बने थे ठीक है ऑपरेटर ग्रीन सी टैंकर मैनेजमेंट के लिए प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है मरीन टाइम सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है ये भी आपको बता दिया और ये भी आपको बता दिया नेक्स्ट are ki uh, archery wo uh, sorry world cup 2023 india won four medals in antalya तो अंतालिया में चार मेडल जीते गए हैं किसके द्वारा इंडिया के मतलब जो मेडल्स की टैली हुई है उसमें इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ फोर मेडल्स आए हैं लेकिन वो फोर मेडल्स की बात करें उनमें से दो हमारे पास गोल्ड आए हैं वन हमारे पास सिल्वर आया है वन हमारे पास ब्रॉन्ज आए तो ये हमारा उस मतलब उस मेडल्स की टैली है अब अंतालिया की बात करें अंतालिया है क्या तो हमारे पास क्या आ जाए पर है तरके में कहां पर ये सारा का, सारा का जो ये वर्ल्ड कप हुआ था वर्ल्ड कप ऑफ 2023 तुर्के में हुआ था तुर्के तर्की कुछ भी बोल सकते हो ठीक है वहां पर ये हुआ था अब बात करें इनकी इनके नाम की बात करें तो हमारे पास क्या ज्योति सुरक्षा क्या ज्योति सुरक्षा ज्योति सुरक्षा को वुमेन कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिला है गोल्ड तो इनको कौन सा अवार्ड मिला वुमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिला है। तो देखो यहां पर भी हमारे पास कौन है ज्योति ही यहां पर भी मौजूद लेकिन इनके पास यहां पर हमारे पास प्रवीण प्रवीण आई थिंक इनका नाम ही था ठीक है समथिंग सिमिलर टू दैट ठीक है तो इनको मिक्स्ड कैटेगरी में भी कौन सी मिक्स्ड कैटेगरी में आर्चरी में कौन सा मेडल मिला गोल्ड मेडल भी मिला तो ये नाम आपको मतलब याद रखने जरूरी है क्योंकि गोल्ड के बारे में ही पूछेगा अगर वो पूछेगा तो ओजस प्रवीण बिल्कुल जी बिल्कुल इनका नाम क्या था ओजन प्रवीण जो ज्योतिष रेक्षा वनम ठीक है इनको ये गोल्ड मेडल दिया गया अब गोल्ड के बाद अगर मैं सिल्वर मेडल की बात करूं तो सिल्वर मेडल मिला टीम ऑफ थ्री पीपल इन दी कैटेगरी तो उनको क्या मिला है? Uh, मतलब सिल्वर मेडल मिला है। तो उनके नाम ये रहे क्या है अतुना दास धीरज बमन देवरा एंड तरुण दीप राय इनको सिल्वर मेडल मिला अगर बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो अगर अगेन मैं इंडिविजुअल कैटेगरी में धीरज बमन देवरा तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है ओके नेक्स्ट ओके ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कीनिया के किपतुम की बात करें कीनिया के किपतुम की बात करें जिनके द्वारा लंदन की जो मैराथन है वो जीती गई है जो उन्होंने जीती है इस टाइम में जीती है लेकिन ये टाइम प्रॉपर नहीं है प्रॉपर मेरे पास कौन सा टाइम है दो घंटे एक मिनट और ट्वेंटी फाइव सेकेंड पच्चीस सेकेंड घंटे एक मिनट और 25 सेकंड जो इनका एक्चुअल टाइम है जिस टाइम में इन्होंने इस वेलेज को कंप्लीट किया था मतलब यहां पर 26 सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से व्यू थे तो ये सिर्फ और सिर्फ फोटो इसलिए ऐड की गई है ताकि आपको पता रहे अब ये जो इन्होंने लंदन मैराथन जीतिया वो, वो जीतने के बाद ये क्या बन चुके हैं सेकेंड फास्टेस्ट क्या बन चुके हैं सेकेंड फास्टेस्ट टाइम है सेकेंड फास्टेस्ट मतलब इससे पहले फर्स्ट भी होगा जो इन्होंने कंप्लीट किया है जो उन्होंने कंप्लीट किया है वो टाइम वो डिफरेंस कितने है का है सिर्फ और सिर्फ 16 सेकंड का डिफरेंस है 16 सेकंड का सिर्फ डिफरेंस है अगर ये 16 सेकंड और जल्दी पहुंच जाते तो ये टाई कर देते लेकिन अगर ये 17 सेकंड जल्दी पहुंच जाते तो ये फास्टेस्ट बन जाते क्या बन जाते फास्टेस्ट बन जाते ये ठीक है अगेन टाइम पर फोकस करना टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है अगेन मैराथन लंडन में हुई थी ओके okay. आप अगर इस मैराथन को छोड़ दें मतलब हमने मेंस की कैटेगरी को फॉलो कर लिया अगर मेंस की कैटेगरी के, के बाद की कैटेगरी है तो उसमें भी हुई थी वुमेन्स की कैटेगरी के, के बाद एक कैटेगरी और थी जिसमें मेंस थे व्हील चेयर पर तो वो कैटेगरी भी थी वैसे हम कवर तो हम तीनों चीजें ही करेंगे लेकिन जो मेंस एंड वुमेंस वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपने याद रखनी है कैलविन किनिया के हैं ठीक है जिन्होंने दो घंटे एक मिनट और पच्चीस सेकंड में कंप्लीट किया था जो इनसे सोलह सेकंड का पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसके बदवारा रहा है ईलूद किप चौगे के द्वारा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया लेकिन अगर वुमेन्स की रेस की बात करें जो इथोपियन के जो डच एथलीट है क्या नाम है है सीफन सीफन हसन हसन कौन सा सीफन हसन, उन्होंने डेब्यू मैराथन जीता है कितने टाइम में दो घंटे अठारह सेकंड और सॉरी दो घंटे अठारह मिनट और चौंतीस सेकंड में वो जीता है अगर बात करें स्विट्जरलैंड के मार्शल हक की बात करें जिनके द्वारा व्हील मेंस मैं व्हील जीता गया कितने टाइम में एक घंटे तेईस मिनट और चौतालीस सेकेंड में तो ये चीजें मतलब ये नाम इंपोर्टेंट है हमारे लिए और ये नाम तो हमारे लिए इंपोर्टेंट है जो करंट के साथ साथ है सोलर इंडस्ट्रीज टू सप्लाई यूएवी नगस्त्रा टू इंडियन आर्मी अब इंडियन आर्मी को सोलर इंडस्ट्री के द्वारा एक यूए दिया गया है। क्या दिया गया यूएवी दिया गया अनमैंड एरियल व्हीकल क्या है अनमैंड एरियल व्हीकल जो दिया गया है किसको इंडियन आर्मी को दिया गया अब सबसे पहले सोलर इंडस्ट्री कहां की है सबसे बड़ी बात सोलर इंडस्ट्री की ये है कि ये कहां की है? इंडिया की है लेकिन इंडिया में कहां की है? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा नागपुर की है ये? नागपुर की है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा तो ये जो सप्लाई करे कौन सी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल सॉरी नॉट अनआर्म्ड बट अनमेड एरिया इंडियन आर्मी को दे रहे हैं लेकिन इन कंपटीशन वर सम अदर कंट्रीज आल्सो जैसे पोलैंड और इजराइल तो यह कंट्री भी कंपटीशन में थी जो चाहते थे हमारा जो UAV है वो मतलब इंडियन आर्मी ले लेकिन इंडियन आर्मी के द्वारा सोलर इंडस्ट्री का जो मतलब यू था वो यूज किया गया जिसकी वजह से हमारे पास क्या गया कि इंडियन आर्मी इंटीग्रेटेड एंड इंडिजिनियस प्रोडक्ट यूज कर रही है अब जो जो यू एरियल अनियल ये किसके लिए यूज होगा लूटिंग क्या होता मुनिशन लूटिंग मोनिशन के लिए यूज होगा लूटिंग मोनिशन के लिए यूज होगा ना व्हाट इज लूटरिंग मोनिशन लूटिंग मोनिशन की मतलब क्या है कि जो प्रसाइज टारगेट है विद एक्यूरेसी उसके मतलब उस पॉइंट को क्या बोलते हैं लूटिंग मोनिशन बोल देते हैं आ, और चीजें आ जाती हैं कि जब तक हम टारगेट लॉक नहीं करते तो ये जो ड्रोन है ये हवा में ही घूमता रहेगा जब तक लॉक नहीं होता तब तक ये वेट करेगा जब टारगेट लॉक होगा तब हिट करके वापस आएगा तो कहना है मतलब एक्यूरेसी पर यह काम करता है ठीक है तो वो हमारे पास क्या है लूटिंग मोनिटर में आएगा और भी इसके कुछ पॉइंट है वो आप आगे देख लेंगे नेक्स्ट चीज नेक्स्ट इसमें हमारे पास करती है हाँ अगर इसकी बात करें हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट की तो डिजाइन द्वे, एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सारा का सारा काम सोलर इंडस्ट्री के द्वारा ही किया गया है क्योंकि यूएवी इनके द्वारा ही बनाया गया नहीं तो यूएवी सॉरी सोलर इंडस्ट्री की बात करें सोलर इंडस्ट्री नागपुर की एक सब कंपनी भी है क्या है सब्सिडी कंपनी है जिसका क्या नाम है ई क्या है ई एल ई एल की फुलफॉर्म क्या है हमारे पास इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड तो जिनकी तरफ से जो भी डिजाइन थे जो भी डेवलपमेंट की सारी की सारी इनकी तरफ से की गई थी लेकिन ये सारा का सारा काम अकेले नहीं था सोलर इंडस्ट्री को भी हेल्प चाहिए थी तो उन्होंने जो हेल्प लिया लिया किसके साथ जेड मोशन बेंगलुरु की कंपनी है जिनके साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया है सो लूटिंग म्यूनिशन इज दिस ऑल थिंग कम्स अंडर लूटिंग म्यूनिशन नेक्स्ट मध्य प्रदेश गांधी सागर सेंचुरी टू बी सेकंड न्यू होम फॉर चीतास अब चीतास का जो दूसरा होम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है गांधी सागर सेंचुरी अब गांधी सागर सेंचुरी भी कहाँ पर है ये भी मध्य प्रदेश में ही है ये भी मध्य प्रदेश में लेकिन एमपी में कहाँ जो ये गांधी सागर सेंचुरी है ये राजस्थान और जो एमपी का ये बॉर्डर है उस बॉर्डर पे ये लाइक करती है उस बॉर्डर पे ये सेंचुरी है अब इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है उससे पहले ऐसा क्या रीजन बन गया कि गांधी सागर सेंचुरी को चूज किया गया उससे पहले जो हमारे पास कुनो नेशनल पार्क था उसको क्या हुआ तो ये बोला जा रहा है कुन्नो नेशनल पार्क का जो एरिया है वो क्या है कम है जो एरिया है वो क्या है कम है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब जो चीतास है वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे जिसकी वजह से गांधी सागर सेंचुरी को चूज किया जा रहा है जो अगले सिक्स मंथ में कंप्लीट हो जाएगी और सारे के सारे चीता सारे के सारे चीतास तो नहीं बाकी के चीतास है यहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे तो ये सारे के सारे एफर्ट एमपी के द्वारा की जा रहे क्योंकि वो चाहता है कि जो उनका स्टेट है उनका राज्य है वो इंडिया में सबसे पहला और मतलब इकलौते में ही गिना जाए ठीक है जहां पर मतलब चीता हैं और वे चल रहे हैं। अब इस सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है यहां पर एक रिवर है यहाँ पर एक रिवर है मतलब इस पूरी सेंचुरी को गांधी सागर सेंचुरी को ये रिवर सेंटर में से ऑलमोस्ट सेंटर से क्या कर रहा है कट कर रहा है मतलब इस गांधी सागर सेंचुरी को दो अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है अगर वहाँ पर रिवर है मतलब वहाँ पर हैबिटेट अच्छा होगा मतलब वो चीतों के लिए चीतास के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा अब ये रिवर का क्या नाम है तो हमारे पास क्या है चंबाल कौन सा चंबाल रिवर तो ये रिवर का नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ सेंचुरी का नाम भी हमारे लिए बहुत है जो राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही रिजवान नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सक्सेसफुली कंप्लीटेड बुरनाए गुवाहाटी पाइपलाइन अब देखो यहां पर ये अभी चीज कंप्लीट नहीं हुई लेकिन ये न्यूज में था तो इस चीज को कवर कर लेते हैं आगे भी बहुत बार आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी अब किसके बात कर रहे हैं और गुवाहाटी पाइपलाइन की बात करें उन्नी और गुवाती और गवाती सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन है इस पाइपलाइन की लेकिन अगर बारह उन्नीस और गुवाती की बात करें तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये बारह उन्नीस और गुवाती के बीच में आता है क्योंकि अगर बारह उन्नीस की बात करें ये कहां पर है ये हमारे पास बिहार में है गुवाती की बात करें तो वो कहां पर है आसाम में है तो बिहार और असम के बीच में अभी तक जो पोर्शन कंप्लीट हुआ है सिर्फ और सिर्फ बिहार में जो ये पाइपलाइन का हिस्सा है वो कंप्लीट हुआ है मतलब और मतलब यहां तक जो हिस्सा है वो कंप्लीट हुआ है पूरी चीज कंप्लीट नहीं हुई इसीलिए ये आगे भी आपको न्यूज में देखने को मिलेगा अब इस पूरी पाइपलाइन की बात करें ये पूरी पाइपलाइन है वो छह अलग अलग राज्यों में फैली हुई है पूरी की पूरी पाइपलाइन क्या है छह अलग अलग राज्यों में फैली हुई है वो छह अलग अलग राज्य कौन से है जिसमें हमारे पास यूपी आ जाता है बिहार आ जाता है झारखंड आ जाता है उड़ीसा आ जाता है और वेस्ट बंगाल आ जाता है तो यहां पर मैं लिख ही देता हूं क्या मेरे पास yup यूपी आ गया बिहार आ गया झारखंड आ गया ठीक है उसके बाद वेस्ट बंगाल आ गया वेस्ट बंगाल के बाद एक दो तीन चार मेरे पास क्या आ गया उड़ीसा आ गया तो ये जब स्टार्ट हुआ था कब 2016 में 2016 में शायद सारा का सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो किसके अंदर आया था प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंदर आया था कौन सा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा का सारा जो ये हमारे पास बुरनाय गवाती पाइपलाइन है लेकिन बुरुनाय गवाती पाइपलाइन का और भी नाम है वो भी हम करेंगे लेकिन उससे पहले दो में जब ये चीज़ शुरू हुई थी तब ये सिर्फ और सिर्फ पांच राज्यों में था कितने राज्यों में था पांच राज्यों में था लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ना ये आपको पर्पल कलर कलर में दिख रहा होगा जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है नेक्स्ट आगे पूरी बड़ी इमेज भी रखी है ये जो पर्पल इमेज में आपको देख रहा है ये बाद में ऐड किया गया था मतलब यहां पर असम भी आएगा तो वो कौन कब आएगा बाद में आएगा ठीक है टोटल हमारे पास कितने राज्य हो गए अब छह राज्य हो गए जिस पूरी राज्य में ये जो पाइपलाइन है वो बिछी हुई है तो जिसमें सिर्फ अभी बिहार का हिस्सा जो कंप्लीट हुआ है उस चीज को किया गया है ठीक है जिसकी वजह से न्यूज में है ऊर्जा ये भी हो गया ठीक है बुनाई गुवाहाटी पाइपलाइन लिमिटेड ठीक है है ये भी इसका नाम है। उसके सिवा और जो इसके नाम है वो हमारे पास क्या है जे एच बी डी पी एल इसका ने भी नाम मतलब जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकराओ धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट इसका ये नाम भी है और ये सारा का सारा जैसे आपको बताया ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंदर आता है दो में हुआ था तो इनका मेन राज्य है मतलब इन जो छह राज्यों हैं उनमें जितनी भी जब भी एनर्जी की जरूरत होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी जो इनका मेन एम है ये तो मतलब इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है कि बिहार के भी छह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये सारा फैला हुआ तो ये सारे के सारे मतलब अलग अलग कलर के पाइपलाइन है जो अलग अलग राज्य में से निकल के जा रही है ठीक है उनके मतलब लेंथ भी दी हुई है ठीक है सारी की सारी ठीक है और ये सारी पूरी डिटेल ठीक है एक बार गो थ्रू हो जाना ओके देन डैट्स ऑल फॉर टुडे आज के लिए इतना बहुत है ओके okay. सो so, जो आपको पीडीएफ है आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है जो पीडीएफ है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी जो पीडीएफ है मिल जाएगी जहाँ पर मतलब कभी कभी मतलब टाइम कम होता है जिसकी वजह से हिंदी इंक्लूड नहीं कर पाता इस सेशन में बट जो पी डी एफ मैं आपको दूंगा वो हिंदी में भी होगी इंग्लिश में भी होगी तो दोनों स्टूडेंट्स को मतलब ईजी रहेगा वो करने के लिए ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे टेक केयर बाय बाय सी यू एंड जय हिंद इन्जॉय योर सेल्फ